नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। CBSE बोर्ड अब क्लास 9 से 12 तक के लिए ओपन बुक एग्जाम OBE ट्रायल करने जा रहा है। इसी साल नवंबर में कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट कराने की तैयारी है। क्या होता है ओपन बुक एग्जाम, आपको बता दें। ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स, किताबें या कई अन्य स्टडी मटेरियल साथ ले जाने और उन्हें देखने की अनुमति होती है। हालांकि OBE सामान्य परीक्षा से आसान नहीं होता, ये एग्जाम अक्सर ज्यादा मुश्किल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट्स की याद रखने की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता, बल्कि किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की समझ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा जाता है। एग्जामिनर उन आंसर्स के नंबर नहीं देते जो किताबों से देखकर लिखे गए हों, बल्कि उन आंसर को मार्क्स दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी दिखाई दे रही हो। जैसे स्टूडेंट अगर नोटबुक में टीचर्स द्वारा लिखाए गए पहरे को ज्यों का त्यों कॉपी करते हैं तो उन्हें नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि उससे आइडिया लेकर अपनी भाषा में उसे बेहतर तरीके से लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। आपको बता दें कि इसी साल से शुरू होगा OBE। OBE का पहला ट्रायल इसी साल नवंबर दिसंबर में करने का प्रस्ताव है। इसके बाद बोर्ड यह तय करेगा कि कक्षा 9 से 12 के लिए उसके सभी स्कूलों में इसे लागू करना चाहिए या नहीं। इससे स्टूडेंट की थिंकिंग स्किल्स, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। इस बारे में DU फॉर्मेट तैयार करेगा। आपको बता दें कि CBSE जून तक OBE प्लान के डिजाइन और डेवलपमेंट को पूरा करने की योजना बना रहा है। यह फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से तैयार कराया जाएगा। DU ने अगस्त 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ओपन बुक टेस्ट की शुरुआत की थी। हालांकि इससे एजुकेशन कैलेंडर बिगड़ गया था। रेगुलर स्टूडेंट्स को परीक्षा पूरी करने के लिए 1 घंटे और आंसर शीट को स्कैन करने और उन्हें अपलोड करने के लिए 1 अतिरिक्त घंटे का समय दिया गया था, जबकि दिव्यांग छात्रों को परीक्षा के लिए 6 घंटे मिले थे। आपको बता दें कि क्वालिटी बुक्स गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में OBE के लिए खास किताबें तैयार करने का भी विचार किया गया है। बोर्ड ने ऐसी किताबों की जरूरत पर चर्चा की जिनसे यह तय किया जा सके कि स्टूडेंट एग्जाम के इस नए फॉर्मेट को समझ पाएं। बैठक के दौरान यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि पहले टीचर्स के लिए OBE किया जाना चाहिए। इससे टीचर्स को भी एग्जाम को समझने और इसके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करने में मदद मिलेगी। इस विषय में CD इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर यशपाल यादव ने अपने विचार रखे, तो आइए सुनते हैं उनका क्या मानना है। CBSE पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अब ओपन बुक एग्जामिनेशन लेने की तैयारी कर रहा है कुछ सिलेक्टेड स्कूलों में। पूरे भारतवर्ष में अभी इसका लागू करने का कोई प्रयोजन नहीं है, CBSE का कोई प्लानिंग नहीं है। ये चाहता है कि हम इस तरह के प्रयोग करके देखें कि वो कितना कामयाब रहता है। इसका मतलब ये होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किताबें ले जा सकते हो, स्टडी मटेरियल जो है आपके वो ले जा सकते हो, आप नोट ले जा सकते हो, तो आप अपने एजुकेशन से संबंधित कोई चीज ले जा सकते हो, लेकिन आप लैपटॉप या आप जो है मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, तो ये ले जा सकते हो और ये इनमें से देखकर आप उस एग्जामिनेशन को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें CBSE की ऐसी मंशा है, ऐसा मानना है कि अब हमें बच्चों की मेमोरी चेक नहीं करनी, अब हमें बच्चों की लर्निंग चेक करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग चेक करनी है, एप्लीकेशन चेक करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें अब हमें चेक करनी है और ये चेक कौन करेगा, चेक करेगा AI। ये कहेगा अब जब बच्चा लिखकर आएगा जो भी उस जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो लिखकर आएगा उसको स्कैन करके AI के पास भेज दिया जाएगा, मीन्स कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और फिर AI उसको ये एग्जामिनाई करेगा कि कहीं किसी से कॉपी तो नहीं कर लिए बच्चे ने बुक से, NCERT की बुक से या किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक से या कोई अन्य तरह के स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल हो कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे,
वहां से कोई कॉपी तो नहीं हुई है। यदि वो कॉपी होती है तो उसके अंक नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यदि बच्चे ने उसको देखा है और उसके बाद अपनी थिंकिंग को डाला है, अपनी एप्लीकेशन को डाला है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग एआई उसके मार्क्स लगा देगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी पहल लगती है, मुझे लगता है कि ठीक है कि बच्चे को जांचने का, परखने का। क्योंकि आप जो जैसे मोदी जी कहते हैं बार बार कि हमें बच्चे को स्किल बनाना है, तो उसकी स्किल चेक करने के लिए एक अच्छा रास्ता है कि आपने उसको मेमोरी नहीं देनी है कि याद रखें। याद रखने के लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप कहीं भी डाल दीजिए आपको याद रखेंगे। तो याद रखने के लिए तो चीजें तो बहुत सारी आ गई है। अब आपके अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, अब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करनी है, आपके स्किल चेक करनी है, आपके एप्लीकेशन चेक करनी है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 9th और 10th में सीबीएसई अभी इंग्लिश, मैथ और साइंस का एग्जाम बतौर ओपन बुक एग्जामिनेशन के रूप में लेगी, और 12th का इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी का एग्जाम बतौर ओपन बुक एग्जामिनेशन के तौर पर लेगी, और वो इसी नवंबर में सीबीएसई का लेने का प्लान है। इस ओपन बुक एग्जामिनेशन का प्रारूप तैयार करने के लिए डीयू को कहा गया है कि आप इसका एग्जामिनेशन का प्रारूप तैयार कीजिए, इसकी प्लानिंग तैयार कीजिए, क्योंकि डीयू को महारत हासिल है इस चीज में। पहले भी डीयू कोरोना के वक्त अपने बच्चों का एग्जामिनेशन इस प्रारूप में ले चुका है। तो डीयू को बोला गया अभी डीयू प्रारूप तैयार करके बच्चों को देगा, जून तक इसकी प्लानिंग तैयार हो जाएगी, और जून तक प्लानिंग होने के बाद फिर बच्चों को दे दी जाएगी, नवंबर में इसके हाफ ईयरली एग्जाम ले भी लिए जाएंगे। तो देखने मात्र से तो लगता है कि सीबीएसई का प्रयोग ठीक है, और नए नए प्रयोग करके देखते रहने भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का नया स्तर तभी उभर के आएगा जब हम नए प्रयोग करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री की सोच भी ऐसी रही है कि हम बच्चों में वो स्किल डालें, अंडरस्टैंडिंग डालें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डालें, तो वो सारी की सारी चीजें तभी डल पाएगी जब हम चीजों को इस तरह से नई नई चीजों का को लेकर आएंगे, और एआई को भी उसमें ऐड करेंगे, टेक्नोलॉजी उसमें ऐड हो जाएगी, तो फिर हेरा फेरी नहीं चलती है। अब यदि कोई टीचर उसको चेक कर रहा होगा तो टीचर्स को नहीं पता कितने तरह के स्टडी मटेरियल है और कहां से कॉपी कर ली गई है, तो टीचर्स नहीं जानता। एआई जानता है कि जितने भी ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल है, जितनी ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, जितनी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, जितने अलग अलग तरह के किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो एआई उसको खंगाल लेगा ऑलरेडी कि कहीं से भी, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी बुक से, किसी भी नोटबुक से, कहीं से भी ये कॉपी तो नहीं की गई है। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी तरह से हेरा फेरी होने की संभावना है। और जो सीबीएसई चाहता है कि ये चीजें, ये स्किल हमने बच्चों की चेक करनी है, तो निश्चित रूप से बच्चों के चेक करने में इसमें कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया। पहले उस तरह की, जब डीयू के समय में भी टेक्नोलॉजी ऐड नहीं थी, क्योंकि एआई उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता था उस वक्त, और आज बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से काम करता है एआई। तो एआई को ऐड करना एक बहुत तारीफ काबिल काम है, और नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना, ये तो सीबीएसई पहले भी करता रहा है और आज भी कर रहा है। तो इससे हमें क्या, और हमारे दूसरे तमाम तरह जो हिंदुस्तान में बोर्ड काम कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी बोर्ड काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक नई दिशा मिलेगी कि इस तरह से भी एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो अभी तो हम इसका स्वागत करते हैं, बाकी आने वाले समय में नवंबर में देखते हैं कि कितना कारगर हो पाता है। बाकी इसकी संभावनाएं मुझे लगती है कि ये 100% कारगर सिद्ध होगा।